सो हेलो गाइस, बहुत अच्छी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, पबजी अनबैन जल्द ही होने वाली है। ये कोई क्लिकबेट नहीं किया मैंने दोस्तों, एकदम फुल्ली इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आया हूँ इस वाली वीडियो में और सारे फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इससे पहले दोस्तों, इतनी ऑसम न्यूज़ सुनने के बाद दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। काफ़ी देर से मैं सारे जितने भी इंफॉर्मेशन, मतलब जितनी भी मीटिंग्स हो रही है पबजी वालों की और इंडिया गवर्नमेंट की, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ला रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। सो गाइस, आपका टाइम बिना बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे थोड़ी सी चीज़ें कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ और भी खबरें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी कल परसों या हाल ही में कुछ ही समय पहले एक न्यूज़ सामने आई है कि दोस्तों, हाँ भाई, एक 21 साल का आईटीआई करने के लिए एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया। और दोस्तों, और कई लोग क्या पूरी मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए, मेरे को ऐसा मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पबजी पे कि हाँ दोस्तों, पबजी की वजह से उस लड़के ने सुसाइड किया क्योंकि पबजी बैन हो गई थी दोस्तों। लेकिन एक चीज़ आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि हाँ दोस्तों, अभी तक पबजी किसी के भी, मतलब मैक्सिमम प्लेयर्स के फ़ोन में चल रही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसके फ़ोन में नहीं चल रही होगी दोस्तों। अभी पबजी का सर्वर डाउन नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोगों के फ़ोन में ऑलमोस्ट पबजी अभी चल रही है। तो दोस्तों, उस लड़के की सुसाइड की वजह मे भी कुछ और भी हो सकता है, और मे बी इट्स भी वो मर्डर भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये मीडिया वालों ने फुल्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, या फिर जो भी पुलिस वुलिस थी, और वजह को पबजी पे बैठा के उसके ऊपर थोप दिया किसी तरह कि हाँ भाई, पबजी का नाम ख़राब हो। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरी थिंकिंग थी, आपकी थिंकिंग क्या है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, मेरी ऑडियंस क्या व्यू रखती है उस केस के बारे में। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़ दोस्तों, एक न्यूज़ और मेरे सामने आई है, ऑफिशियल न्यूज़ है, पबजी से रिलेटेड है ये। तो इस न्यूज़ में दोस्तों, जो पबजी वालों ने साफ साफ कह दिया है कि हाँ दोस्तों, वो टेंशन से पार्टनरशिप किसी भी हालत में नहीं तोड़ेंगे। हाँ दोस्तों, टेंशन से पार्टनरशिप छोड़ के वो गेम लॉफ्ट या फिर एक्टिविजन किसी के साथ भी नहीं जाएंगे दोस्तों। लेकिन इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप बिल्कुल भी मायूस मत होना, क्योंकि दोस्तों, आपका भाई जो इसके बाद जो न्यूज़ आपको बताने जा रहा है ना दोस्तों, वो सुनने के बाद गारंटी आपके चेहरे पे स्माइल ज़रूर आ जाएगी दोस्तों। और अगर दोस्तों, वो न्यूज़ सुनने के बाद आपके चेहरे पे स्माइल आ गई तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे न्यूज़ खोजने में दोस्तों, दिन रात हम भी लगे रहते हैं गूगल पे, सारी जितनी भी वेबसाइट है कि हाँ भाई, क्या मीटिंग के बाद क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। सो गाइस, बता देता हूँ, मैं उस जो भी न्यूज़ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको अगर विश्वास ना हो तो देख लेना, ऑफिशियल न्यूज़ है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या चल रहा था, जो पबजी वाले थे ना, सॉरी पबजी तो छोड़ो, पबजी तो कोरिया की गेम है, पबजी वालों को कोई मतलब नहीं है। जो टेंसेंट वाले थे ना, उनकी बहुत देर से मीटिंग चल रही थी इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल्स के साथ, और दोस्तों वो मीटिंग फाइनली ओवर हो गई है, और वो अब इंडिया गेमिंग कम्युनिटी वालों से बात कर रहे हैं। सो गाइस, इससे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं दोस्तों, इससे हम ये आखिरी में निकाल सकते हैं कि जो भी इंडिया गवर्नमेंट के साथ जो जो, मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने जो जो प्रस्ताव या फिर जो जो शर्तें रखी टेंसेंट वालों के सामने कि हाँ भाई, आपको हमारा डाटा लीक नहीं करना, आपको प्राइवेसी पॉलिसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, सो दोस्तों वो शर्तें सारी टेंसेंट ने मान ली हैं, और गवर्नमेंट की भी मेरे ख्याल से वहाँ पर सुलह हो गई है टेंसेंट वालों के साथ। तो दैट्स वाई उन्होंने फर्दर प्रोसीड करने के लिए अब गेमिंग कम्युनिटी वालों से बात करने के लिए कह दिया है, जैसा कि आपको आर्टिकल में दिख जाएगा दोस्तों, मैंने लिंक भी दे रखी है और आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। सो गाइस, इसके बाद क्या, जैसा कि आपको पता है कि पबजी बैन होने का कारण इंडिया में सिर्फ सिक्योरिटी नहीं था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से केसेस ये निकल के आ रहे थे कि हाँ भाई, यहाँ पे इस लड़के ने अपने अपने फादर के अकाउंट से इतने पैसे निकाल के यूसी परचेज या फिर जो भी स्किन विस्किन परचेज करते थे। तो दोस्तों, ये केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और दोस्तों इंडिया में भी दोस्तों बहुत सारे लोग, आपको जैसा कि पता, रॉयल पास के पीछे बहुत पड़े हुए थे दोस्तों, काफ़ी पैसा ये लोग पबजी मोबाइल पे लगा रहे थे दोस्तों। सरकार को एक ये कारण भी हो सकता है पबजी बैन होने का, तो दोस्तों मे भी इसलिए अभी शायद रिस्ट्रिक्शन डाल दी उन्होंने यूसी परचेज के ऊपर। तो शायद हो सकता है दोस्तों, जैसे ही अपडेट
अभी तो वैसे प्ले स्टोर पे नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जस्ट बात हुई और टेंसेंट वालों ने भी कहा, टेंसेंट वालों ने भी ये भी कहा, यहाँ तक कि वो इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं जैसे कि TSM एंटिटी हो गई, विलेजर ई स्पोर्ट हो गया, इन सबसे वो बात करेंगे और क्या आगे डिस्कस करके कैसे कैसे वो अपडेट लाने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे अनबैन का प्रोसीजर होगा दोस्तों, वो सब के ऊपर अभी चर्चा चल रही है। तो दोस्तों इतना तो साफ है कि गवर्नमेंट ने भाई हाँ यहाँ पे हरी झंडी दिखा दी है कि हाँ दोस्तों कि हाँ हम कर सकते हैं, कि एलो कर सकते हैं पबजी को। दैट्स वाई दोस्तों अभी तक इंडिया की गवर्नमेंट ने पबजी का सर्वर भी डाउन नहीं किया। अभी भी आप अगर अपनी पबजी चलाओगे तो दोस्तों वो पबजी चलेगी, बस सिंपल वो प्ले स्टोर से हटी है और ऐप स्टोर से हटी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं, आज जैसा कि आज 8 तारीख है दोस्तों और आज शायद न्यू एरा का अपडेट भी आया है, तो दोस्तों अभी प्ले स्टोर पे वो ऐप नहीं आया। अगर आप चाहते हो उसको अपडेट को डाउनलोड करना तो दोस्तों फर्दर आपको गूगल से मिल जाना चाहिए अपडेट, मे बी APK प्योर वेबसाइट में मिल जाएगा, और भी काफ़ी वेबसाइट है, टैप टैप वेबसाइट है, वहाँ पर आपको पबजी मोबाइल का न्यू एरा का अपडेट हो सकता है डाउनलोड करने को मिल जाए दोस्तों। आप चेक ज़रूर करना गूगल पे जाके अगर आप न्यू एरा का खेलना चाहते हैं पबजी मोबाइल। और सो गाइस काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे, अब जब भी पबजी मोबाइल इंडिया में वापस लौटेगा दोस्तों काफ़ी हद तक फुल्ली चेंज होके आएगा, जहाँ तक मेरे को भी ऐसा लगता है और काफ़ी यूट्यूबर्स का यही मानना है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपके चेहरे पर स्माइल आ गई हो ये वीडियो देखने के बाद, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे को और सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी न्यूज़ मैं आगे लाता रहूँगा, आगे क्या क्या पबजी मोबाइल वालों की इंडिया के साथ क्या क्या बातें हो रही है, कब कब मतलब कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे चैनल से कनेक्टेड रहना दोस्तों, और बी हैप्पी दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं, पबजी मोबाइल जल्दी जल्दी वापस आ जाएगा।